सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने सूरदास के पद, उसके रचयिता सूरदास के जीवन परिचय को जाना। इस वीडियो में आपके पाठ पुस्तक में सूर के पद के दो पद दिए गए, दोनों पदों कि हम व्याख्या जानेंगे और उसमें रहे हुए शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे। विद्यार्थी, पहला पद जो है, मैया कभी बढ़ेगी छोटी, कति बार मैं दूध पियत भय यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेन जो है हाँ लाबी मोटी, काढ़त उड़न नहावत जैसे नागन सी हुई लोटी, कांचो दूध पियावत पचपर देत न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलदर की जोड़ी। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं विद्यार्थी, ये कविता जो है ब्रज भाषा में लिखी, ब्रज भाषा ब्रज बोली में यह कविता लिखी है, इसलिए यह हमारी खड़ी बोली की जो आम बोलचाल की भाषा से यह अलग है। तो पहले हम इस कविता के शब्दार्थों को देख लेते हैं विद्यार्थी, क्योंकि ये ब्रज भाषा के शब्द हैं तो उसका हिंदी अर्थ को हम यहां समझ लेते हैं। जैसे कबही, कब, कब तक, कबही का अर्थ होगा कब, चोटी, चोटी का अर्थ होता शिखा, चोटी शिखा, कति बार, कति बार कितनी बार, पियत, पियत का अर्थ होता है पीना, अजहू, कविता में शब्द आया है अजहू, अजह का आज भी, यहां बल, बल शब्द जो है यहां बलराम, जिसमें के बड़े भाई है उनका नाम बलराम था, तो बल शब्द जो है बलराम के लिए प्रयोग। आगे का शब्द है बेनी, बेनी अर्थात बेनी, बोली है इसलिए बेनी लिखा है, उसका बेनी, बेनी का अर्थ होता है चूटी। यव, जैसे समा, जैसे समा। अगला शब्द है वह हाउ है, हाउ है हो जाएगी, हाउ है हो जाएगी, लाबी, लाबी शब्द का अर्थ होता है लंबी। अगला शब्द आया है काढ़त गुहत, काढ़त गुहत, गुहत का अर्थ होता है गूथना, बालों को बार बार कंघी करना और चोटी बनाना, चोटी बनाना को हमने कहते गूथना भी कह सकते हैं, जब चोटी को बनाना आता गूथना। नहावत, नहाते हुए, नहाते हुए। नागिन, नाग का जो स्त्रीलिंग है मादा नाग, उसका स्त्रीलिंग अर्थात नागिन। भूई, जमीन, भूमि, जमीन या भूमि। लोट, लोटना, लेटना, जमीन पर लोटना। काचो, काचो शब्द का अर्थ होता है कच्चा, कच्चा दूध, काचो दूध। चिर जौ, लंबे समय तक जो, ये आशीर्वाद, आशीर्वाद युक्त शब्द है चिर जौ। दो, दो का अर्थ होता है दोनों। अंतिम लाइन में है हर, हर यहां जो है भगवान के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। हलधर, हलधर जो है बलराम को कहते हैं, क्योंकि उनका जो हथियार था वो हल था, इसलिए उनको हलधर भी कहा जाता है। और जोटी अर्थात दोनों की जोड़ी, राम कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, जोटी है, वो लंबे समय तक जिए, ऐसी मां यशोधरा आशीर्वाद देती है। तो विद्यार्थी, पहले पद में हमने मैया कभी पड़ेगी छोटी से ये कुछ शब्दों के अर्थों को देखा। इसके आगे की वीडियो में हम इसी शब्दों के आधार पर कविता के सारांश को जानेंगे।